हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल्स ऑफ राधा कृष्णा में। मैं हूँ आपकी दोस्त तनु कात्यायनी गुप्ता और आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने 555 की टेक्निक के बारे में बताया था। 555 की टेक्निक से कैसे मुझे फ़ोन मिला और मेरा एक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहुत बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मुझे एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला था। पर ये मैं बताने वाली हूँ, जो कमेंट में मुझसे पूछा उस पर छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। प्लीज़ किसी और की भी हेल्प हो जाए ना। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि 555 की टेक्निक क्या सिर्फ लव रिलेशंस के लिए है? इससे आप कुछ भी काम करवा सकते हो। मुझे फ़ोन चाहिए था, मैंने पहले कोई विश्वास नहीं किया, मैंने कोई यूज़ भी नहीं किया था, पर मैंने विश्वास के साथ सोचा कि ठीक है, बिना करे मैं किसी चीज़ को क्यों खराब कहूँ। अगर कोई इंसान है ना, तो आप उसे जब तक बात नहीं करोगे तब तक आप किसी को कैसे जज कर सकते हो? तो वही चीज़ है, जब तक कोई टेक्निक आप यूज़ नहीं कर लेते आप उसको कैसे कह सकते हो? और रिजल्ट वो देता है, ऐसा नहीं है रिजल्ट तब आपकी वाइब्रेशंस का ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने मन से किया। हर मंत्र चमत्कारी है, हर मंत्र का अपना महत्व है, हर मंत्र हर टेक्निक पावरफुल है। आप खुद से उसको अच्छे से जोड़ पाए, खुद से आपने जो किया एफर्ट वो सही था, 100% था, कि आप कहीं भी नेगेटिव नहीं हुए वो करते हुए। वो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें काउंट होती हैं, पर वो चीज़ हम भूल जाते हैं और हम ब्लेम करने लग जाते हैं टेक्निक्स को कि ये काम नहीं करती हैं, या मंत्र चैंटिंग की पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपने जो गलती की वो भी आप ध्यान रखिए। मुझसे तो होती हैं गलतियाँ, रियली में मुझसे तो बहुत सारी हुई थी, तो मैंने तो उन गलतियों से सीखा, उन्हें सही किया, इम्प्रूव किया और कोशिश की कि हर रोज़ अच्छे से कर पाऊँ मैं चैंटिंग, पूजा या कुछ भी, हर काम को। तो फ्रेंड्स, 555 की टेक्निक हर विश के लिए है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके लव रिलेशंस हो, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए भी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए ये लिखिए कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी हेल्प की। आपके करियर के लिए है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा मुझे मेरे मनपसंद करियर देने के लिए मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल गई है और मेरे को ये चीज़ मिली आपकी कृपा से, आपकी सपोर्ट से, हेल्प से, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। यू हैव टू शो योर ग्रेटिट्यूड ऑल्सो यूनिवर्स को। तो आप हिंदी में लिखिए, देखिए हिंदी में, मैं तो हिंदी में लिखती हूँ, मुझे कोई हिंदी इंग्लिश बस, आप जिसमें चाहो आप लिख लो, पर मैं तो हिंदी में ही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, फ्रेंकली स्पीकिंग एंड रियली मुझे तो हिंदी में भगवान को ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं हिंदी में ही अच्छे से लिखती हूँ कि ताकि कोई मुझे कोई मेरा क्लियर रहे सब कुछ। तो मुझे बात करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत सही लगता है कि हिंदी में लिखो अपना, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दो। कई बार होता है कि इंग्लिश में भी हम कहना कुछ और चाहते हैं, मीनिंग कुछ और होता है, नहीं, जिसमें आप फील कर रहे हो, जिसमें जिस चीज़ में आप फील कर रहे हो वो चीज़ आप लिखो, वो चीज़ आप बोलो। आप इंग्लिश में कम्फर्टेबल हो, जब हाँ मैं इंग्लिश भी मैंने अपने फ़ोन की विश इंग्लिश में लिखी थी, आई गॉट माई न्यू फोन, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने ये लिखा था, बस इतना सा लिखा था, बस मुझे मिल गया फ़ोन। और जब कोई कितनी बार प्रार्थना करनी होती है या और कुछ होता है तो मैं हिंदी में लिख लेती हूँ, मैं इतना नहीं सोचती, क्योंकि जिस चीज़ में मैं फील कर रही हूँ ना वो चीज़ लिखूँगी, वो चीज़ एक्सप्रेस करूँगी यूनिवर्स के सामने, तो यूनिवर्स के सामने ना क्लियर होनी चाहिए सारी बात, इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए मैंने आपको बोला जिस चीज़ में आप फील कर रहे हो वही चीज़ आपको क्लियरली लिख दो। आप यू हैव टू आस्क And then you will receive. तो फ्रेंड्स, बहुत क्लियर माइंड से क्लियरली आप अपनी विश के बारे में लिखो, बताओ। 555 की टेक्निक काम करती है, आप 5 दिन बाद लेट गो कर दो, आपका काम नहीं है, आपने अपने तरफ से सारी जो भी आपको करना था वो आपने कर दिया, आपने 5 दिन लिखा, मन से लिखा, बाकी का काम यूनिवर्स का है। आपने तो ये सोच लिया कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, आपने अपना ग्रेटिट्यूड शो कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने पूछा था कि करियर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, करियर है, लव रिलेशंस है, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई प्रॉब्लम है, वॉट एवर द विशेज, यू कैन यूज़ दिस टेक्निक।
विदाउट एनी डाउट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलती हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।